सलाम अलैकुम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों को बताया जाएगा कि आप नादरा आई सूरत की फ्रेंचाइज किस तरीके से ले पाएंगे, उसका क्या तरीकाकार है, क्या क्या प्रोसेस होता है, या आप अपनी दुकान पर बैठे ऑनलाइन भी रिक्वायर जनरेट करके नादरा आई सूरत की फ्रेंचाइज ले सकते हैं। जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ ये वाला फॉर्म आपके पास आ जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बोल रहा है तो पर्सनल डिटेल अपलोड करें अपनी। यहाँ पे आपने अपना नाम ऐड करना है, जो आपका नाम आईडी कार्ड पे है वो आपने सेम सेम लिखना है, कोई भी गलती नहीं करनी। इस जगह पे आपने अपने फादर का नाम लिख देना है। उसके बाद आप मेल है या फीमेल है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। इधर से सीएनएसी नंबर आपने इधर ऐड कर देना है अपना। उसके बाद आपकी जितनी तालीम है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, जो भी है आपने वो वाली सिलेक्ट कर लेनी है। हमारी मैट्रिक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको कंप्यूटर स्किल, कंप्यूटर चलाने का पता है या नहीं है, तो आपने ये इस पे क्लिक करना है। क्योंकि आपको पता होगा तो फिर ही आप नादरा आई सूरत की फ्रेंचाइज जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, आईडी मिलेगी, आप चला पाएंगे। तो इधर आ जाता है करंट एड्रेस। इधर आपने अपना ये जिस एरिया से आप हैं, आजाद कश्मीर से हैं, बलूचिस्तान से हैं, फाटा, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से, जिधर से आप वो वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हम पंजाब से हैं, पंजाब से सेलेक्ट करते हैं। इधर आपने अपना जो भी आपकी डिवीज़न आपको लग रही होगी वो वाली आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट करूंगा, आप लोगों ने अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है जो आप लोगों को लग रही हो। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो वाला आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो तहसील आपको लग रही होगी वो वाली आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और आपने अपना सिटी का नाम लिख देना है जिस सिटी में आप रह रहे हैं। मैं अपने हिसाब से फिर से बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से फिलअप कर रहा हूँ फॉर्म, आपने अपने हिसाब से करना। आप जिस एरिया में रह रहे हैं इधर आपने अपना एड्रेस लिख देना है दुकान का, या फिर आपके जो आईडी कार्ड के पीछे लिखा होगा घर का एड्रेस वो वाला भी आप इधर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आ जाते हैं। अगर आपका दोनों सेम है तो आपने फिर ये दोनों सेम ही सेट कर लेने हैं। अगर कोई फर्क है करंट एड्रेस में और परमानेंट में तो आप वो फिर चेंज करेंगे। ठीक है। इस तरह पहले आप कराची में रह रहे थे, फिर आप पंजाब में आ जाते हैं, या फिर आप पंजाब में रह रहे थे किसी और एरिया में, इस्लामाबाद में चले जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाते हैं, फिर उसी हिसाब से आपने इधर सेट करना है। इस एड्रेस में आपने फिर से अपना सेकंड एड्रेस लिख देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल लिखनी है यहाँ पे आपने अपने, ये आपने जितने भी आपके खाने आपने फिलअप लाजमी करने हैं, आपके जो मोबाइल नंबर हो गए हैं आपने वो वाले इधर ऐड कर देने हैं। अगर आपके दो मोबाइल नंबर आपने दो लिख देने हैं, तीन या तीन लिख लो, अगर एक है तो एक ही आप लिखते हैं। और यहाँ पे आपने जो अपनी ईमेल है वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। क्योंकि अगर कल को आपको कोई इशू बनता है या कोई जीमेल वगैरह ईमेल वगैरह आती है तो आपको
इसी जीमेल पे आप नादरा वाले आपके साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। तो ये अपने जो जीमेल आपका एड्रेस है वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ये भी कांटेक्ट डिटेल भी हमारी अपलोड हो गई है। इसके बाद बिजनेस डिटेल, प्रोफेशन, दुकान का पूछ रहा है कि आपकी खुद की है या किराए की है। अगर खुद किया तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी दुकान का एड्रेस देंगे, जिस जगह पे आपके मोहल्ला में या फिर कोई सी बस स्टॉप पे या जिधर भी आपकी दुकान है वो वाला आप इधर एड्रेस ऐड कर देंगे। मोहल्ला है तो मोहल्ले का नाम लिख देंगे आप, कॉलोनी है। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से लिखना है, फिर से बता रहा हूँ। उसके बाद आपने इधर से फिर से वो जो आपका एरिया कौन सा है, जो पंजाब से है, सिंध से है, कहाँ से, वो वाला सेट कर लेना है। डिवीज़न फिर से वही सेम वाला, ऊपर वाला एड्रेस ही है। फिर आपने अपने सिटी का नाम आप फिर से लिख देना है, जहाँ पे आप रहें, सिटी में है सिटी का लिखें, अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। यह यूनियन काउंसिल नेम, ये आपका जो यूनियन काउंसिल आपको लग रहा होगा, आपका जो एरिया का यूनियन काउंसिल होगा वो आप लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे नागरा के साथ, जब आप काम शुरू करेंगे तो हम इधर 1 लाख ऐड कर देते हैं। उसके बाद आ गया रेफरेंस, यहाँ पे हम अपने 2 रेफरेंस ऐड करेंगे। ये नादरा वालों की टर्म एंड कंडीशन है कि आप मिनिमम 2, जिसको हम गवाह कहते हैं कि हम 2 गवाह आदमी देंगे। यहाँ पे हम पहले गवाह का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद उनका ID कार्ड नंबर देंगे गवाह का, जो हमारा गवाह होगा। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद दूसरे जो हमारा गवाह होगा उसका एंट्री देंगे आप। उसके ID कार्ड का नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, दूसरे गवाह का मोबाइल नंबर भी उनका ऐड कर देंगे आप यहाँ पे। और आखिर में आप आके इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास अगला पेज आ जाएगा सक्सेसफुली का, कि आपकी जो रिक्वेस्ट वो जनरेट हो गई है। और ये तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से बग हो सकता है टाइम, ये रिक्वेस्ट आपकी नादरा वालों के पास चली जाएगी। तो जो आपका एरिया मैनेजर होगा या एरिया सेलमैन, जो कुछ भी इनका इस पोस्ट पे जो बंदा होगा, ये सारी डिटेल उनके पास आ जाएगी। और ये वाला वीडियो वगैरह जो बंदा भी होगा आपसे खुद ही रब्ता कर लेगा, आपकी दुकान पे आ जाएगा। और अगला स्टेप जो होगा वो आपको आपके फॉर्म वगैरह होंगे वो वाले आपको फिलअप करने पड़ेंगे, वो आप साइन वगैरह करके उस बंदे को दे देंगे, वो आपकी दुकान पे खुद ही आ जाएंगे। आपके जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, सारा डाटा आपने ऑनलाइन पुटअप किया हुआ है, उनके पास डाटा सारा होगा। बाकी जो कागजी कार्रवाई होगी वो आपकी मुकम्मल करेंगे, और आपकी जो नादरा इसूलों की फ्रेंच है वो आपको फिर अगला स्टेप जो होगा वो आपको बताएंगे कि कितने दिनों में आपको ये जो सर्विस है प्रोवाइड कर दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली ऐसी नई वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।